यूजुअली कम्स टू दोज हु आर टू बिजी लुकिंग फॉर इट. वो कहते हैं ना, निरंतर कोशिश करते रहने से सफलता आपके कदमों में आएगी. विद दिस मोटिवेशनल कोट लेट स्टार्ट आवर स्टूडेंट्स फेलिसिटेशन प्रोग्राम. Let's welcome another proud centurion, Pratyush Tiwari, who has cleared his SSB from 2AFSB Mysore. Details of his SSB are as follows: reporting 145, screened in 65, recommended only 9. Pratyush Tiwari has completed his school from LPS and he is a school topper. He has also cleared the September's NDA written examination. Is going for another interview in Kolkata for the Navy Day, which is on 9th. Time को कोलकाता जा रहा है और कोलकाता से मेडिकल करा के ही मेरा एक स्टूडेंट वापस आ रहा है, तो मैंने इसको बोला मैं उसका नंबर दे दूंगा, उससे भी बात कर लेना एक बार कि क्या रिसेंट में चल रहा है. Then it is his choice where to go. If he get recommendation in Navy also, he will. क्या ज्वाइन करोगे एयरफोर्स या नेवी? सही सही बताओ. व्हाई एयरफोर्स, व्हाई नॉट नेवी? एयरफोर्स सर, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर एयरफोर्स फॉर इंडिया आल्सो एंड आई नो अबाउट मोर अबाउट एयरफोर्स एंड मोर इंटरेस्ट अबाउट मोर इंटरेस्ट आल्सो इन एयरफोर्स. अरे सीधे बोलो ना, जहाज उड़ाने को मिलेगा जब से वो सीपीएसएस क्लियर भी है ना इसका, तो एयरफोर्स ही ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि सीपीएसएस ज़्यादातर बच्चों का क्लियर हुआ है. जितने भी इसके इस बार भी इंडिया में रिकमेंड हुए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स दे हैव क्लियर्ड सीपीएसएस. सीपीएसएस मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करके जाना है. इवन इफ यू आर गोइंग फॉर आर्मी एसएसबी आल्सो, देन आल्सो जैसे आर्मी के लिए भी आप रिकमेंड होते हो तो दे कॉल, दे आस्क नेम ऑफ द वॉलंटियर्स दोज हु आर इंटरेस्टेड टू अपीयर फॉर सीपीएसएस एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ओनली वंस इन योर लाइफ. एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो अगर आपका आर्मी एविएशन में जाने का कोई इंटरेस्ट है, हालांकि आगे भी आपको मौके मिलेंगे, बट एसएसबी रिकमेंडेशन के जस्ट बाद आपको चांस मिल जाता है, जस्ट बाद आपको एक बार पूछा जाता है. तो अगर आप सीपीएसएस की तैयारी यहां से करके ही जाइएगा. जो जहाज उड़ा के यहाँ से गड़गड़ाहट की आवाज आती होगी, बट हमें पता नहीं चलता है कि हमारा स्टूडेंट लेके जा रहा है, बिकॉज़ दे आर नाउ होल्डिंग द रैंक ऑफ फ्लाइट लेफ्टिनेंट और स्क्वाडन लीडर. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज के 7-8 साल पहले सिलेक्ट हुए, ऑलरेडी फ्लाइंग में हैं. कैसे पता चलेगा, ऊपर से क्या पता निकल रहे हो, बट आवाज गड़गड़ाहट की सुनते हैं. बट आई वॉन्ट टू कन्वे की ज्यादातर यूनिट में हमारे बच्चे हैं. एंड प्राउडली इस बार भी कम से कम सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी 6, 7 और 8 एग्जैक्टली आई डोंट नो नंबर, बट ज़्यादातर बच्चों का सी पी एस एस क्लियर हुआ है. तो ज़्यादातर फ्लाइंग ब्रांच में एयरफोर्स, जैसे सानिया मिर्जा फ्लाइंग ब्रांच में गई थी, वैसे ज़्यादातर बच्चे फ्लाइंग ब्रांच में. यहाँ से खास बात यह है कि अगर फ्लाइंग के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी चॉइस है दैट यू आर गोइंग टू ज्वाइन फ्लाइंग ब्रांच ऑफ इंडियन एयरफोर्स. एयरफोर्स में इनको राजा बोला जाता है. दाएँ बाएँ कोई नहीं देखता, इनसे ज़्यादा कोई बात नहीं करता, पीटी परेड से ज़्यादा मतलब नहीं होता है. हेलमेट उठाते हैं, एनटीजी सूट पहनते हैं, सीधे स्क्वाडन में जाते हैं, अपना एयरक्राफ्ट टैक्सी आउट होता है, सीधे टेक ऑफ करने जाते हैं. अलग एटीट्यूड होता है, मूवीज़ में भी तुमने देखा होगा ना. ओके, इफ़ यू आर गोइंग फॉर ग्राउंड ड्यूटी डेफिनेटली यू विल बी फ्लाइंग ऑफिसर. बट मैं बोल रहा हूँ, अगर इफ़ यू गेट चॉइस ऑफ ज्वाइनिंग इंडियन एयरफोर्स, इस बार भी रिटर्न बैच का रिजल्ट आया है CDS का. आई हैव रिसीव्ड मेनी स्टूडेंट्स, दे हैव क्लियर्ड फॉर एयरफोर्स ब्रांच, इंक्लूडिंग रोहित ऑल्सो. रोहित क्लियर्ड फॉर एयरफोर्स ब्रांच थ्रू CDS. FCAT भी उसका क्लियर हुआ. तो अगर आप एयरफोर्स में जाओ, उसका CPSS पहले भी क्लियर है, ठीक है, तो CPSS क्लियर होने का आपको बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा. तो ही विल बी ज्वाइनिंग, ही विल बी प्रेफरिंग एयरफोर्स ओनली. आज भी दो रिकमेंडेशंस हैं, सभी को पता होगा, ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, और उनमें से एक हमारे स्टूडेंट और आपके एक सर हैं जो रिटर्न बैच के हैं, हिस्ट्री वाले सर, अभिषेक सर. हाँ, तो अभिषेक सर पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, उनका लास्ट अटेम्प्ट था एंड टुडे ही क्लियर्ड इट. ठीक है, मल्टीपल टाइम्स ही क्लियर्ड CDS, FCAT, NDA भी पहले क्वालिफाई किया था, बट आज उनका लास्ट अटेम्प्ट SSB का था, SSB उनसे नहीं हो पा रही थी, आज हो गई.
मैं प्रत्युष के बारे में कुछ कह नहीं सकती, मेरा बस यही मैं बच्चों से कहूँगी, बच्चों जिस लगन से ये प्रत्युष ने मेहनत किया दिन रात, कभी ये नहीं समझा कि कब दिन है, कब सुबह हुआ, कब शाम हुआ। मैं अभी तक कभी इस ये नहीं जान पाई कि मेरा बेटा उठता कब है, कब सोता है। वो अपनी लगन से ही बस वो जब देखो तब तो अब समझ नहीं पाया कि मैं मेरा बेटा पढ़ा कब और कब सो गया। मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं इतना खुश हूँ अपने बच्चे के बारे में। मतलब मैं यही बस कहूँगी कि हर बच्चे बस ऐसे ही लगन और श्रद्धा से मेहनत तुम लोग बेटा करो, कि हर माँ बाप की यही खुशियाँ होती कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें बेटा, और तुम लोग भी ऐसा ही करना जैसे प्रत्युष ने किया है। बच्चों तुम लोग भी ऐसे ही मेहनत करके आगे बढ़ना, अपने मम्मी पापा का नाम खूब रोशन करना बेटा। अपने माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा लेना और उनका विश्वास कभी मत तोड़ना। भगवान खुद नहीं आता है आशीर्वाद देने, वो आपको आशीर्वाद और दिशा आपके पेरेंट्स के रूप में आपको मिलती है, तो उनका भरोसा कभी मत तोड़ना। ओके, जस्ट कीप इट अप। जब पेरेंट्स अच्छे संस्कार देके बच्चे को यहाँ भेजते हैं तो हमारे लिए सबसे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है ना एक स्टूडेंट का, पता क्या होता है? आप सोचिए कि 15 की एज के बाद जब स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट, और उसका रिफ्लेक्शन पता क्या होता है? पेरेंट्स जो संस्कार देके भेजते हैं वो उसकी पर्सनैलिटी में झलकता है। संस्कार, ऑलवेज बी पोलाइट, ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड कि आपको इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स अगर अच्छे कल भी कोई पेरेंट्स आए हुए थे, तो अगर पेरेंट्स के कर्म अच्छे होते हैं तो उसका जो फल होता है वो उनके बच्चों पे मिलता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पेरेंट्स के जो कर्म है, जो कर्मा बोलते हैं जिनको, वो अच्छे होंगे तभी एज अ रिजल्ट आपको ये मिलता है। नहीं तो आप देखिए, रिटन क्वालिफाई, SSB क्वालिफाई, मेडिकल फिट, CPSS क्वालिफाइड, अब ज्वाइनिंग का वेट कर रहा है। मतलब सारी चीज़ें मैं इनके फादर से मिला, ही वॉज वेरी हम्बल, टीका वगैरह लगा के आए थे, आई थिंक स्पिरिचुअल ऑल्सो। उससे पता चलता है कि घर में क्या चल रहा है, उससे पता चलता है। और मेरा तो साइकोलॉजी डोमेन है, मैं तो बात करके ही थोड़ा सा यही सब पता करने की कोशिश करता हूँ। तो व्हाट आई गॉट टू नो कि इनके पेरेंट्स से बात करके या प्रत्युष के बारे में जितना पिछले एक साल में देखा समझा, सो कोई बैच में, मतलब कई बार ऐसा होता है रिटर्न बैच में बच्चे रेगुलर नहीं होते हैं, कुछ बच्चे एक हफ्ते के बाद गैप करेंगे। तो अगर आप अपनी जिम्मेदारी को खुद समझ रहे हैं और उसको रियलाइज़ कर रहे हैं, पेरेंट्स के कंसर्न को समझ रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, जब आप पेरेंट्स बनेंगे तब सबसे ज़्यादा रियलाइज़ कर पाएंगे। मैं सच आपको बता रहा हूँ, जब मैं खुद पेरेंट्स के रोल पे आया तो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक बच्चे को कैसे छोटे से बड़े करके कैसे लेके आना होता है। ठीक है, तो आप इनसे बड़ा, अब देखिए फीमेल एंट्री को इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया, मुझे लग रहा बहुत पहले इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, क्योंकि फीमेल एज अ मदर जो इनके अंदर का सेंस ऑफ सेक्रीफाइस है वो सबसे बेहतर है। तो आर्म फोर्सेस का एक बेस्ट एग्जांपल आप सीखिए, हमारे घर में मदर से सीखिए। ठीक है, जैसे आप बोल रहे थे ना कब सोते हैं, कब, पता सब है इनको इनको सब कुछ पता है। ठीक है, कई बार पेरेंट्स को सब पता होता है और पेरेंट्स सिर्फ सपोर्ट करते हैं वो स्टूडेंट्स की नीड को, पता आपको पानी कब चाहिए, अब आपकी मदर को पता चल जाता है पानी कब, पानी अपने आप सामने आ जाता है। तो आप सोचिए कि आपके, और फिर भी हम पेरेंट्स को नहीं मानते, फिर भी हम मदर को सिर्फ व्हाट्सएप चलाना सिखा देते हैं तो हमें लगता है मदर से ज़्यादा काबिल है। ऐसा नहीं है, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रस्ट योर पेरेंट्स, ट्रस्ट योर टीचर्स, ट्रस्ट योर ऑर्गेनाइजेशन वेयर योर स्टडींग, जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने जहाँ से पढ़ाई करी, 12th क्लास तक पढ़ाई करी, ट्रस्ट करो उस पर, क्रिटिसाइज मत करो पेरेंट्स को। बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू में बोल देते हैं पेरेंट्स को क्रिटिसाइज कर देते हैं, अभी हम लोग क्लास में वही डिस्कस कर रहे थे, नेवर क्रिटिसाइज। ठीक है, क्योंकि इनका इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव रहता है, बोना फाइड इंटेंशन रहता है तुम्हें लेकर। कोई सोचेगा, कोई पेरेंट्स से सोचेगा कि नहीं यार मेरा बच्चा सिलेक्ट ना हो, वो तो अपना बेस्ट देगा ना, तो उन्होंने बेस्ट हमेशा दिया। तो बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स हमेशा, और लाइफ में कितना भी बड़े ऊपर बन जाना, तुम जनरल रैंक पे पहुंच जाना, मतलब एयर चीफ मार्शल बन जाना, CDS बन जाना, लेकिन हमेशा ध्यान रखना पेरेंट्स को मत भूलना। क्योंकि हमें लगता है लाइफ में कि जब मैं भी अभी घर जाता हूँ ना वापस, तो हमें लगता है कि यार पेरेंट्स के साथ अगर मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेता हूँ तो आई फील सेटिस्फाइड, मुझे लगता है अच्छा फादर का यहाँ जाने का प्रोग्राम बन रहा है, तो मैं अपने आप प्रोग्राम अपना चेंज करके मैं खुद ही उनको बोल दूंगा, मैं उनको बोल दूंगा यार यहाँ जाने का मन कर रहा है मेरा, तो मुझे पता है कि फादर को वहाँ जाने का मन कर रहा है, वीकेंड में उनको उस तरफ कहीं जाना है,
तो मैं एक दिन का टाइम निकालूंगा, मैं उनको बोलूंगा यार मुझे भी उधर चलना है, आपको चलना है क्या? एंड आई नो, मम्मी से मुझे पता चल गया कि उनका वहाँ जाने का प्रोग्राम बन रहा है. दिस वे यू कैन कोऑपरेट इमोशनली, यू कैन सपोर्ट योर पेरेंट्स. और सबसे मजबूती होती है जब आपके पास पेरेंट्स होते हैं ना, ज्वाइंट फैमिली में रह के देखो अलग मजा है. मैं प्राउडली आई से कि आई एम मेम्बर ऑफ ज्वाइंट फैमिली. मतलब मेरे ब्रदर के साथ में मैं रहता हूँ, ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ और सबसे बढ़िया तरीके से रहता हूँ. वी आर वेरी गुड पार्टनर इन द कंपनी, वी आर वेरी गुड ब्रदर एंड वी आर वेरी गुड फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो. तो घर के इसेंस को आप सबसे, क्योंकि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते. आप बताइए बाहर आप किस पर ट्रस्ट करोगे, किसको अपने भाई जैसा मानोगे? और आज की डेट में क्या हो रहा है, इट इज़ वेरी इजी कि आप आइसोलेट हो जाओ. अब मम्मी पापा से शादी हो गई, मम्मी पापा से दूर चले गए, एक रेंट पे रूम ले लिया, एक गाड़ी खरीद ली, अपने आप को बता दिया कि नहीं हम सबसे अलग हैं, हम ही सबसे VIP हैं. भूल गए बहुत सारे, आपने देखा होगा ट्रेंड चल गया ये. गांव का बच्चा पेरेंट्स को वहाँ छोड़ दिया, एक मेड रख दिया, पैसे हैं मेड रख दिया कि 10,000 रुपये में मेड रख दिया. अरे मेड क्या सर्व करेगी यार, आप बताइए. मेड पेरेंट्स आप नहीं कर पा रहे हो, मेड को आपने 10,000 रुपये में दे दिया. तो मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है ब्लेसिंग्स लेने का कि आप उनकी उस एज में आप जितना ज़्यादा सर्व कर सकते हैं आप ज़रूर सर्व करिए. पेरेंट्स को सर्व करिए, आप देखेंगे अपने आप मैजिक होता रहेगा लाइफ में. जो एग्ज़ाम्स क्वालिफाई आपका मार्जिन लेवल से नहीं हो रहा होगा, अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा. मैंने ये खुद अपनी लाइफ में करके देखा है, मैं बता रहा हूँ. ठीक है, एक अपने आप आपको एक अलग से एनर्जी मिलेगी, आपको लगेगा यार सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं. ठीक है, तो ज्वाइंट फैमिली में रहिए, पेरेंट्स को सपोर्ट करिए, उनकी बातों को मानिए जैसे भी वो हैं. अरे मदर हमारे टाइम में ज़्यादातर मदर कोई 8th पास है, कोई 10th पास है, कोई 12th पास है, कोई हार्डली ग्रेजुएट होता है. हमारे टाइम की बात में बता रहा हूँ. तो क्या उनकी समझदारी नहीं है क्या? उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. ठीक है ना, चलिए, थैंक यू एवरीवन.